बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम आपको शर्ट का नाप बताएंगे। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, फिर हम चौड़ाई लेंगे, फिर हम चेस्ट का नाप लेंगे, फिर कमर का लेंगे, हिप का लेंगे, बाजू का नाप लेंगे, तीरा और कंधा। ये मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह लेंगे। हमने जिस्म का नाप लेना है। बाज़ दफ़ा आपके पास सही नाप नहीं होता तो आप अपने जो जिनके कपड़े सिलाई करने हैं उनका नाप किस तरह लेंगे। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे, कंधे पे हम रखेंगे इस तरह से बिल्कुल सीधा। 35.5 हमारी लंबाई है। लंबाई हम 35.5 लिखेंगे। साढ़े बीस हमारी चौड़ाई है। चेस्ट का नाप लेंगे। इस तरह से ये हम ढीला रखेंगे। 38 आ रहा है इसका। अठतीस का हम डबल करेंगे तो 19 आएगा हमारे पास। जस्ट हमारी 19 है। अब हम कमर का नाप लेंगे। इस तरह से ये 32 है। इसका हम डबल करेंगे तो हमारे पास 16 आ गया। अब हम हिप कर लेंगे। हिप का ना 40 इंच हमारे हिप का है तो हमारा 20 आएगा। बाजू का हम यहाँ हड्डी से लेंगे बिल्कुल सीधा 20 इंच। अब हम इस जोड़ से इस जोड़ तक लेंगे तो हमारी ये 14.5 इंच आ रही। हमारा 14.5 इंच। कंधा इस तरह का हम गुलाई में रखेंगे तो 17.5। 17.5 इंच हमारा कंधा आया था, इसे हमने डबल किया। 8.5 इंच हमारा कंधा आ रहा है। अब हम ट्राउजर का नाप लेंगे। ऐसे हम महसूस करते हैं यहाँ पे हमारा इलास्टिक है, इधर से हम नीचे बिल्कुल सीधा लेके आएंगे। 36 इंच हमारा ट्राउजर। आसन 14 इंच। पांचा 7 इंच। गेयर 17 इंच। ये हमारा परफेक्ट नाप है। अब हम इसे कपड़े पे लगाते हैं। निशान हम कपड़े पे लगाते हैं। ये हमारा परफेक्ट नाप है। अगर आप इस तरह से नाप लेंगे तो बिल्कुल ठीक नाप आएगा, और अगर आप कपड़े नहीं है तो आप इस तरह से नाप ले सकते हैं।
ये ठीक ना आप है, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। अल्लाह हाफिज़।